या पैसा आया तो सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों आज का करते हैं राइड यहाँ से करोल बाग। हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है तारीख 10 मार्च 2023 और टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, 12:16 हो रहा है। मैं सुबह निकला था, सुबह 6 बजे निकला था, 6:30 ऐसी आसपास में। तो आज सुबह 6:30 निकला हूँ और सुबह 6:30 से लेकर अभी तक का ड्यूटी कहाँ की बज रही, कैसे डॉलर तो मेरे को बच गई सुहाना की ड्यूटी, इंटरसिटी राइड। मैं वो राइड लेके गया था, उसके बाद वहां से मैंने एक लेके आ गया लोकल, सॉरी लोकल के इन ड्राइवर में मिल गई 850 रुपये की राइड अपना करोल बाग की। 57 किलोमीटर था। एक सेकेंड, बड़ी कंजेस्टेड है भाई, जाना पॉसिबल नहीं लग रहा। हेलो, हाँ जी सर, ये 10 मिनट दिखा रहा है। कहाँ पे सर, लोकेशन सही है ना सर? ठीक है सर, देख आता हूँ मैं। दोस्तों ये कॉल थी कस्टमर का पिक पॉइंट पे, लेकिन कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। कोशिश करता हूँ जाने की, तो अगर पहुंच पाया तो ठीक है, नहीं तो भैया कैंसिल होगी राइड, और क्या हो सकता है ज्यादा। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पूरी डिटेल्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ब्रो। तो चलिए दोस्तों, मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ आज सुबह से, अभी स्टार्ट, सुबह से स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में था, वो राइड नहीं कंप्लीट करता तो दिक्कत आती, फिर कैंसिल हो जाता। भैया पैसा है तो सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों आज से करते हैं राइड यहाँ से करोल बाग से, अपना स्टार्ट कर ही लिए है, मतलब ड्यूटी तो ऑन है ही। अभी तो लगभग लेके गए तो उसमें 1100 कुछ रुपये मिला, 1132-133 ऐसे ही मिला, और वहां से लेके आया उसमें मिला मुझे अपना 850 की थी तो 100 रुपये टोल भरा, 750 रुपये मिल गया 55 किलोमीटर का। मैंने चलो ठीक है भाई, कुछ तो मिला। तो चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस भाई को भी सपोर्ट करो यार। और बताएंगे आज दिन भर में क्या अर्निंग है, कैसे है, कहीं नया जगह जाएंगे तो आपको अपडेट देंगे। और कितने की हिंग और फिटकरी लगनी, मतलब तेल और सीएनजी यार, वो भी बताएंगे आपको। तो आप लोग प्लीज बने रहिए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करना यार, आप लोग लाइक नहीं करते ब्रो। तो चलिए दोस्तों बने रहिए आप लोग ब्लॉग के साथ, हम मिलते हैं डिफरेंस लोकेशन के पास। दोस्तों कहाँ गया आज बताता हूँ पूरी डिटेल्स, और मेरी 7-8 राइड कंप्लीट हो चुकी है, और मैं घर जा रहा हूँ अब, क्योंकि टाइम हो रहा है रात का 10:50, और मैं थक चुका हूँ। गाड़ी चल गई 300+ किलोमीटर में, तो भैया 300 के बाद अपने आप ही बॉडी जवाब दे जाता है, ये बॉडी है। तो इसीलिए वीडियो में बने रहे एंड तक, और आपको मैं कुछ सवाल का जवाब भी दूंगा आज, जैसे बहुत सारे दिक्कतें आती है ओला उबर में, वो क्या दिक्कत आती है। देखो काम धंधा तो एक अलग बात है, लेकिन दिक्कत और मुसीबत क्या झेलना पड़ता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। तो दोस्तों देखो, मैं पहला ट्रेन उठाया था सुबह सुबह, मेरे पास इंटरसिटी बच गई थी एक बल्लभगढ़ की तरफ का, 70-78 किलोमीटर की राइड थी, उसमें 1162 रुपये मुझे प्रोवाइड कराया गया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से मैंने एक इन ड्राइवर की राइड उठाई, क्योंकि वहाँ मैं जाके फंसने वाली बात थी, वहाँ से कोई ड्यूटी रिटर्न का बचता नहीं, तो मैं वहाँ से एक इन ड्राइवर में 850 रुपये में दिल्ली करोल बाग लेके आ गया 56 किलोमीटर। तो
उसमें 100 रुपये टोल जेब से गया और मैं वहां से करोल बाग लेकर आया। करोल बाग वहां छोरा ड्रॉप किया, वहां से फिर कहाँ कहते हैं झांसी भी तो है, करोल बाग से, हाँ करोल बाग से वहीं साइड में गाड़ी लगा के मैंने खाना पीना खाया। खाना वाना खाने के बाद अरे मैं आगे भी आ गया थोड़ा, घर से वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा आगे आ गया, जो कट था वो कट मिस कर दिया, वो दूसरा कट लेना। तो वहां से करोल बाग गया धौला कुआं, उसमें मुझे दिया गया 200 रुपये, 215 जैसे कुछ रुपये दिया गया है, तो ऐसे कुछ दिया था। धौला कुआं बस स्टैंड छोड़ा, वहां से खड़ा रहा, वहां भी खाया मैंने क्या सैंडविच। सैंडविच खाने के बाद उस केस में भी उस राइड में भी गाड़ी चली है लगभग 17-18 किलोमीटर कैसे चली है, मुझे एग्जिट याद नहीं है क्योंकि मेरे को मैं मोबाइल खोल के देखूंगा तो पता लगेगा मुझे कितना कितना किलोमीटर चली है गाड़ी। फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ से बच गई मुझे सीधा नोएडा सेक्टर 41 RR हॉस्पिटल से, तो वहाँ से लेकर चला गया मैं। उस राइड में बनी मुझे 522 रुपये, तो कस्टमर ने 520 ही दिया, 2 रुपये कम ही दिया, क्या कह सकते कस्टमर ही है। तो उस राइड में कैश कलेक्शन में बता रहा हूँ, फिर वहाँ पे मैं काफ़ी देर खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा। फिर उसके बाद अपना एक ड्यूटी बजी लाजपत नगर की, वहाँ से लाजपत नगर आया, उस राइड में भी 17-18 किलोमीटर गाड़ी चली, 400 कुछ रुपये का बिल बना था। तो ये हुआ, फिर लाजपत नगर से भी मैं खड़ा रहा थोड़ा देर, फिर वहां से एक बज के ड्यूटी मेरे को खेदरी हॉस्पिटल है पता नहीं क्या है, वहीं लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन में बैक साइड में, वहां से बज गई एक अपना सीधा गुड़गांव सेक्टर 23। मैंने कहा यार चल लेते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी राइड करेंगे इससे मुझे लॉन्ग ट्रिप मिल ही रही है तो चल लेते हैं। मैं लॉन्ग ट्रिप पे निकला, वहां से मैं गया लगभग, हाँ अच्छा खासा रेंज भी था, 50-60 किलोमीटर का रेंज था उसमें, नहीं 50 किलोमीटर तो नहीं था, कम था उसमें भी मुझे 500 या 600 रुपये ही दिया गया था, एग्जिट याद नहीं है लेकिन इतना ही राउंड ऑफ दिया गया था, जिसमें 300-400 कुछ रुपये मुझे बिल बने थे। वहां से एक राइड मेरे को बजी थी दिल्ली एक्सप्रेसवे से, द्वारका एक्सप्रेसवे वाले रोड पे से, तो मैं वहां से गया नहीं क्योंकि यूपी हरियाणा में था, हरियाणा से मैं पिकअप करने जाता दिल्ली में 100 रुपये MCD टोल पे करना पड़ता, इससे बढ़िया है कि मैं वहां से छोड़ दिया उसको कैंसिल करके सेक्टर 23 की मेन मार्केट के पास खड़ा होकर वहीं पे एक ब्रेड खाया। तो देखो भाई भूख लग जाती है, थक जाता है आदमी, क्या कर सकते हैं। वो खाने के बाद वहीं पर खड़ा रहा खड़ा रहा, फिर वो थोड़ी देर बाद एक राइड बजी मेरे को सीधा नवयुग मार्केट गाजियाबाद पुराना बस अड्डे के पास, उसका वहाँ पे बिल उनका था कस्टमर का 1073 का दिखा रहा था, बट 2 घंटा 6 मिनट का रास्ता था, तो उस केस में बिल बनना है 1270, लेकिन कस्टमर ने मुझे कहता भैया मैं 1800 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। अब मैं वही है तो बहस करता तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती, अभी ओला का अकाउंट वैसे ही ब्लैक लिस्ट चल रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर दे दो जो देना है आपको। उसका मैंने कंप्लेन डाली है, पता नहीं देखो देता है या नहीं देता, अगर देता है कंपनी कंप्लेन पे तो मैं आपको अगले ब्लॉग में जरूर बताऊंगा दोस्तों। और उसके बाद उस केस में भी गाड़ी चली है मेरे ख्याल से लगभग 57 किलोमीटर के आसपास में, 57-57 किलोमीटर। फिर वहाँ से मैं गो टू हम पहले लगा चुका था राइड पहुँचने से पहले कि भाई मुझे घर जाना है अब रेस्ट चाहिए, तो मेरी ड्यूटी बजी है लास्ट एंड फाइनल ड्रॉप ड्यूटी है, उसके बाद मैं घर ही जा रहा हूँ। ये ड्यूटी बजी थी मेरे को नेहरू नगर, वहीं से 3-4 किलोमीटर दूर था पिकअप पॉइंट, मैंने कहा लेकर निकल लेते हैं यार, एक बीच में बची थी सादरा से सादरा के लिए, तो वो समझ नहीं आया ड्यूटी क्योंकि पिकअप लोकेशन ही उल्टा सीधा दिखा रहा था, उसको मैं कैंसिल कर दिया। फिर जाके बजी एक नेहरू नगर से सीधा सरायरोला रेलवे स्टेशन, तो उसको लेकर आया, उस राइड में मुझे दिया गया 500 रुपये, लेकिन उसमें बिल बना है 500 का नेट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कंडीशन हैं, और उसके बाद मैं घर खाली खाली आ चुका हूँ,
कोई राइड नहीं बची, मैं काफी देर वेट किया। तो आप लोग बताए कि मैंने खाली खाली आने के क्या फायदा क्या नुकसान, क्योंकि 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर घर खाली खाली आ चुका हूँ। और यहाँ पे लगा है बाजार, बाजार लगा है, बाजार में पता नहीं क्या ही क्या 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 क्या, क्या कह सकते हैं, बाजार लगा ना, सोम बाजार बुध शुक्र बाजार लगाते हैं। यहाँ पे मंडी लगती है ना छोटी सी सब्जी वब्जी का, तो वही लगा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मेरा फाइनली काम हो चुका है, लगभग पता नहीं 3100-4100 रुपये का आसपास काम हुआ है। दोस्तों मैं घर पहुंच चुका हूँ और घर पे बस ऐसी, वहाँ पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मार्केट था, तो इसलिए मैं वीडियो को एंड करना पड़ गया था वहीं पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको तो दे चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप, और दोस्तों साथ शेयर कर देना। और ऐसी ओला उबर से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। और कुछ चीज़ें मैं आज इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि मैं घर पे आ गया हूँ, तो सारी डिटेल्स मैं कल आपको ब्लॉग में बता दूंगा, और वीडियो को शुरू में ही बताऊंगा कि क्या है। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।